दोस्तों, टेक्नोलॉजी की वजह से पृथ्वी पे तो एक जगह से दूसरे जगह का डिस्टेंस नापना बहुत ही आसान है, बट स्पेस में ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लैनेट से डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक कांस्टेंट स्पीड पे चलता है, कि टाइम को नोट करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये फिगर इतना बड़ा होता है कि हम किलोमीटर की जगह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमेशा सन से अर्थ के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। दूर की डिस्टेंस के लिए हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं। एक लाइट ईयर इक्वल टू 950 करोड़ किलोमीटर होता है। ये कैलकुलेट किया जाता है लाइट की कांस्टेंट स्पीड और उसके टाइम को मल्टीप्लाई करके। सबसे पहला मेथड होता है ट्रिग्नोमेट्रिक पैरेलैक्स, जिसमें अलग अलग एंगल से लाइट की मदद से डिस्टेंस कैलकुलेट। डिस्टेंस अगर और ज्यादा हो तो स्टैंडर्ड कैंडल मेथड का यूज किया जाता है, एक स्टार की लाइट को दूसरे स्टार की लाइट से कंपेयर करके। एक्सट्रीम डिस्टेंस के लिए स्टार का जो लास्ट स्टेज का एक्सप्लोजन होता है, उसकी लाइट का इस्तेमाल किया जाता है।